सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैच 3 जो कि ईसीआई वुमेन का जो मैचेस चल रहा है उनकी मैच 3 के बारे में। और वो मैच होने वाला है दोस्तों नेदरलैंड वुमेन वर्सेस इटली वुमेन के बीच में। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही टीम स्ट्रांग है, फिर भी बात यह है कि नेदरलैंड वुमेन का जो टीम है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उनका जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं इटली वुमेन से काफ़ी ज़्यादा है। सो इसीलिए ये मैच का जो आप कह सकते हो कि 90% चांसेस रहेंगे नेदरलैंड वुमेन ये मैच जीते, और इटली वुमेन का जो मतलब चांसेस है वो 10% रहेंगे इस मैच के लिए, क्योंकि यहाँ पे इटली वुमेन के पास काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर टीम है, बट कहीं ना कहीं नेदरलैंड वुमेन के पास काफ़ी अच्छे पावर हिटर बैट्समैन है उनके टॉप ऑर्डर में, उनकी बॉलर्स भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग किया है लास्ट मैच पे। सो चलिए हम डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको फुल स्टैट्स के साथ साथ लास्ट मैच की स्कोर क्या रहा है, क्या मतलब होना चाहिए था, क्या हो सकता है, वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे पहले ही बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सुपर सिक्स इटली वुमेन की अगर हम बात करें, जो 6 प्लेयर को आप अपनी टीम के लिए पिक कर सकते हो, उनमें से दोस्तों सबसे पहले आता है दिलिसा जो कि इनके लिए ओपनिंग करती है, और ओपनिंग में अगर बात करें ना तो काफ़ी फिट प्लेयर है एक्चुअली, बॉलिंग भी अच्छी किया है इन्होंने लास्ट मैच में, हमने पूरा गेम देखा एक्चुअली लाइव गेम, और कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका परफॉर्मेंस, इनका बैटिंग भी अच्छी था, इनका बॉलिंग भी अच्छी थी। सो कहीं ना कहीं दोस्तों दिलिसा एक अच्छे ऑप्शन है जिनको आप इस टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे सरून की बात करें तो इनकी जो परफॉर्मेंस, इनकी जो रिकॉर्ड है ना बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा अनफिट है, थोड़ा सा हेल्दी है ये। सो उस वजह से मैं इनको जो है कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में सिलेक्ट नहीं सोच रहा हूँ फॉर नेदरलैंड मैच, ठीक है, क्योंकि नेदरलैंड की जो टीम है उनकी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर है, तो उस वजह से मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं सोच रहा हूँ इस मैच के लिए। बाकी अगर कोई यंग टीम के साथ हो या फिर कोई ऐसे टीम जैसे कि मतलब लास्ट मैच था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्हें भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो क्योंकि टॉप ऑर्डर प्लेयर है, बैटिंग अच्छी कर लेती है, बट बॉलिंग पे ज़्यादा एडवांटेज नेदरलैंड के अगेंस्ट शायद नहीं मिलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे चतुरी का है जो कि एक और ऑप्शन है जिनको आप अपनी टीम पे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट डाउन बैटिंग करती है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी कर लेती है, सो ये एक ऑप्शन है। उनके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेगिना की अगर हम बात करें, लास्ट मैच पे सिर्फ एक ही प्लेयर का मुझे स्टैट्स नहीं मिला और उस वजह से मतलब हमारे टीम का जो परफॉर्मेंस है वैसे ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में ऐसे वैसा नहीं रहा है। अगर मतलब आप सिंगल खेल रहे हो तो स्थिति में ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा इनकी वजह से, लेकिन अगर आप मिनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। सो दोस्तों मैंने इनके बारे में परफॉर्मेंस निकाल ली है, एक्चुअली ये ससेक्स का प्लेयर है, इंग्लैंड वुमेन के लिए खेलती है, और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तो अच्छी होना चाहिए क्योंकि अगर कोई इंग्लिश कंट्री में खेल रहा है सो डेफिनेटली यूरोप कंट्री से अच्छी परफॉर्मेंस तो उनका होना ही चाहिए। सो यहाँ पे रेगिना एक अच्छे सुदाजाई खान इनका पूरा नाम है और प्लेयर अच्छी है, इन्होंने एक्चुअली ऑलराउंडर है, इनका बैटिंग भी काफ़ी अच्छा रहा है, 2022 में 2 हाफ सेंचुरी लगाई है एक सीरीज़ के दौरान, और साथ में इन्होंने कुछ 15 विकेट्स भी ली थी उन सीरीज़ में। सो प्लेयर अच्छी है, आप इन्हों भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, इनका बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ये मतलब बैटिंग भी मिल जाएंगी क्योंकि नेदरलैंड के अगेंस्ट मैच है, ठीक है। उनके अलावा दोस्तों 2 और प्लेयर है जैसे कि इनकी है कुमुदू पेड्रिक और साथ में बर्तराम, सो ये दोनों भी आप अपनी टीम पे ट्राई जरूर करें और ग्रैंडली कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर हम बात करें बर्तराम तो इनका बॉलिंग बहुत अच्छी रहती है, हालांकि लास्ट मैच में इनको एक ही ओवर बॉलिंग दिया गया है, पर ये बॉलिंग बहुत अच्छी कर लेती है और मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करती है। सो अगर ऐसा हो जाए कि नेदरलैंड का जो टीम है वो अगर पहले ही इनका विकेट जल्दी मतलब आउट कर देते हैं, सो स्थिति में कहीं ना कहीं इमलिया बर्तराम को बैटिंग करने की एक अच्छी मौका मिल सकता है, ठीक है। सो फॉर ग्रैंड लीग आप इन्हें वाइस कैप्टन और कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, सेफ टीम पे तो हम बिल्कुल पिक कर सकते हो। सो दोस्तों चलिए हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पेज जो है इटली वुमेन की जो परफॉर्मेंस है उनकी बारे में हम बात करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिलिशा जो है इनकी पास्ट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, ये यंग प्लेयर है, उस टाइम पे इनको ज़्यादा बैटिंग और बॉलिंग मिलती नहीं थी। अब ये ओपनिंग कर रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि दिलिशा टीम के लिए ओपनिंग करती है, सो अब इनका जो परफॉर्मेंस है ना उभर रहा है,
सो कहीं ना कहीं यंग टैलेंट है, बॉलिंग अच्छी कर रही है, बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करते हुए देखा। सो ये एक अच्छी ऑप्शन है दिलीप शाह। दूसरा दोस्तों यहाँ पे शरुण थोड़ा सा हेल्दी हो गया है, अभी 14 मैच में 369 रन 15 विकेट। सो इस टीम का बेस्ट परफॉर्मेंस अगर बात करें ना तो ये थी, बट अभी के टाइम मुझे थोड़ा लग रहा है कि नेदरलैंड के अगेंस्ट उतना अच्छा परफॉर्मेंस शायद हमें देखने को ना मिले, ठीक है। उनके अलावा चतुरिका की बात करें, चतुरिका ठीक ठाक है, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 9 मैच में 192 रन 8 विकेट्स, ये इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है, मतलब ऐसे ही किसी कंट्री टू कंट्री का गेम है। उनके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुमुदू पहले ओपनिंग करती थी इस टीम के लिए, बट अभी की उनकी बैटिंग में लास्ट मैच में उनको बैटिंग नहीं मिली। सो हो सकता है ये 10 ओवर का गेम है, इस वजह से इनका जो बैटिंग ऑर्डर है इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो ECI का जो भी मैचेस होता है ना यहाँ पे, मतलब आप ऐसा मान के नहीं चल सकते कि ये जो हमारा सेफ गेम है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की गेम होता है। आपको लगता है तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग खेला करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिंगल पे करना शायद हमारे लिए सही नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। थॉमसन जो कि लास्ट 10 मैच पे बॉलिंग नहीं करी, लास्ट मैच पे उन्होंने बॉलिंग करी 2 ओवर और वो 3 विकेट लेके चले गए। सो यहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत मुझे तो डाउट भी होता है कि हो सकता है कि कुछ प्लानिंग हो इनके अंदर, जो मेन बॉलर है उनको बॉलिंग नहीं दिया जाता है, और जो बॉलिंग कभी करी नहीं उनको बॉलिंग दिया जाता है और 2-2 ओवर बॉलिंग करके चले जाते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों कुमुदू की बात करें तो इनकी 14 मैच पे 243 रन एंड 14 विकेट्स है। उनके अलावा बर्तराम, जिनका नाम मैंने पहले लिया, यहाँ पे मिलिया बर्तराम जो कि 4 मैच पे 41 रन 2 विकेट, प्लेयर बहुत अच्छी, इनकी क्लास स्टार्ट बहुत अच्छी है, इन्होंने लास्ट सीरीज से स्टार्ट किया इंटरनेशनल खेलना और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनकी फिट बॉलर है एक्चुअली, और बैटिंग भी ये मिडिल ऑर्डर पे कर लेती है। उनके अलावा दोस्तों दिशानी की बात करें, 11 मैच पे 11 विकेट 110 रन की इनिंग्स भी बनाई है, एक्चुअली ये बॉलर है पर मतलब बैटिंग कर सकती है। सो T10 में मतलब इनको ज़्यादा मौका तो नहीं मिलेंगे क्योंकि T10 शॉर्ट फॉर्मेट का गेम है। सो T10 में दिशानी को ज़्यादा मौका एज अ बॉलर तो मिल सकता है डेफिनेटली, बट एज ए बैट्समैन नहीं मिलेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ प्लेयर ऐसे हैं, जैसे कि एक हो गया गायत्री को आपको पिक नहीं करना है, यहाँ पे विकेट कीपर जो है मेतनारा उनको भी पिक नहीं करना है, सोनिया को पिक नहीं करना है। ये तीन प्लेयर जो है एक्चुअली ये तीनों प्लेयर मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सो आप इन्हीं तीनों को अवॉइड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे निमेशा की बात किया जाए तो इन्होंने 5 मैच पे 3 विकेट्स लिए, ठीक ठाक प्लेयर है थोड़ा सा, मतलब ये भी हेल्दी है और हो सकता है कि इनको पार्ट टाइम बॉलिंग मिले और इसी वजह से आप निमेशा को पिक कर सकते हो फॉर अ ग्रैंड लीग, ओके। बाकी दोस्तों यहाँ पे करणदीप कौर को पिक नहीं करना है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, अगर खेले तो भी नहीं मिलना चाहिए। अब होता क्या है कि ECS में कभी कभी ऐसा मतलब आपके साथ आपकी लक के साथ खेला जाता है, और वैसे स्थिति में अगर करणदीप को बॉलिंग दे दिया जाए, क्योंकि 4 मैच में इन्होंने एक ही ओवर बॉलिंग डाला है, अगर इनको बॉलिंग मिल जाए और 2 विकेट लेके चले जाए, सो वो आपकी बैड लक है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप जिनका परफॉर्मेंस देखा नहीं आप उन्हें ही पिक कर लो। सो ये मतलब मैं क्लियर कट बात करता हूँ। यहाँ पे अनुषा भी मतलब ऐसा प्लेयर है जिनको आप पिक ना ही करें तो बेस्ट है, क्योंकि बैटिंग ना बॉलिंग करती है वो, पर ऐसा है कि अचानक आ सकता है। सो उस स्थिति में आपको अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो, बहुत बड़े ग्रैंड लीग खेल रहे हो, ज़्यादा मेंबर के साथ खेल रहे हो, तो आप अनुषा को भी ट्राई कर लो, क्योंकि इन ECI वालों से भरोसा नहीं है कब अनुषा को बॉलिंग दे दे और वो भी विकेट लेके चले जाए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ इसीलिए मैं समझा रहा था कि यहाँ पे अगर आप सिंगल खेल रहे हो तो कम ही खेलो, और अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। बट क्या है ना कि अगर आप सिंगल खेलते हो तो ये सारे जो प्लेयर हैं जिनको मैंने क्रॉस मार्क किया है इनको पिक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे आपके लिए। उनके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा सबसे जो हमारा मेन चीज़ था वो है रेगिना सुदाजाई खान, एक्चुअली ये सासेक्स इंग्लैंड ओमेन के लिए खेलती है और वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, इन्होंने बैटिंग भी अच्छी करी है। सो टीम में आप इनको पिक कर सकते हो, इंग्लिश ओमेन के साथ खेलने का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली अच्छी होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट पेज जो कि जो लास्ट मैच है उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम। दिलीप शाह ने 1 ओवर बॉलिंग डाला, 2 विकेट्स लिए हैं यहाँ पे 35 रन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर हम बात करें शारण ने 1 ओवर बॉलिंग डाला, 1 मैडन, लेकिन ये चीज भी आपको नजर पे रखना चाहिए कि ओपोनेंट पे कौन था। सो ओपोनेंट पे GIB ओमेन जिनका बैटिंग मतलब खराब से खराब, मतलब इतना खराब मैंने देखा नहीं है,
और बैट तो उनको चला ही नहीं पा रहे। तो सो ऐसा है कि यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस था, वो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन आप नेदरलैंड से ना करें। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस इनको मिला है वो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन आपको नेदरलैंड से ना करें। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को बोला कि इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों को ना बैटिंग मिलती है ना बॉलिंग मिलती है। सो आपने को कौन सा प्लेयर को ट्राई करना है, एक तो हो गया दिलीशत, दूसरा हो गया शारन, तीसरा चतुरिका, रेगिना, बर्तराम, पैड्रिक। पैड्रिक को फॉर रोटेशन पिक, अगर आप ग्रैंडली खेलते हो तो ट्राई करो। बाकी नीचे के जो प्लेयर्स आप देख रहे हो इनको भी छोड़ दो। सिंगल के लिए आपको सिर्फ इन छह प्लेयर को ट्राई करनी है, और अगर आप ग्रैंडली खेलते हो तो नीचे एक और है, वो है निमेशा। सो दोस्तों नेक्स्ट पेज देखेंगे हम। नेदरलैंड ओवन की अगर हम बात करें तो लास्ट मैच पे जो रहा है ये एक्चुअली मतलब बैड लक है। होना नहीं चाहिए था, थॉमसन को बॉलिंग मिलना नहीं चाहिए था। ना तो उनकी पास्ट क्लब परफॉर्मेंस अच्छा है, ना ही उन्होंने इंटरनेशनल में कुछ करी है। सो कभी कभी क्या होता है ना कि आपके साथ खेला जाता है, सो वही चीज़ हुआ है कल। बाकी आपको जो बेहतर लगे वो आप करें, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं हमेशा स्टैट्स को बिलीव करते आया हूँ और उस बेसिस पे टीम बनाता हूँ। सो इस टीम के लिए जो है ना तीन जो ऐसा प्लेयर है तीनों गेम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी टीम है, यानी इटाली हो, चाहे आप स्वीडन की बात करें, चाहे आप मतलब एक और टीम जो है उनका तो नाम ही ना ले, जीआईबी ओमेन, ना तो बॉलिंग अच्छे से कर पा रहे हैं ना ही बॉलिंग बैटिंग। सो ये तीन बैट्समैन ना बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे काफ़ी स्कोर कर सकते हैं या सेंचुरी मार सकती है ये लोग। सो ये तीनों को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट मैच पे पैड्रिक ने नहीं खेली, वो अगर खेलती है तो वो भी एक और ऑप्शन होंगे, जो कि आपको चार नंबर पे बैटिंग या फिर पाँच नंबर पे बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग पे भी देखोगे। इरिस की बात किया था मैंने, इरिस बहुत अच्छी बैटिंग कर लेती है और इन सारे बॉलर्स के अगेंस्ट तो वो बहुत मारने वाली है, लेकिन क्या है कि उनकी टॉप ऑर्डर इतनी स्ट्रांग है कि उनको बैटिंग करने का मौका शायद ना मिले उतना। सो यहाँ पे एक्चुअली वो उनका जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग पे चलना पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन ये भी है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। नीचे अगर हम बात करें तो वो है और एक कॉर्लिन डिलैंज एंड साथ में ईवा। सो ये दोनों भी एज ए बॉलर अच्छी है। सो यहाँ पे जो टोटल आपको सेवन ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है ये सेवन बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन क्या होता है कि अगर एक ऐसा प्लेयर जिन्होंने पहले कभी बॉलिंग करी नहीं है उन्होंने अगर तीन विकेट लेके चले जाते वो हमारी बैड लक है। चलिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं थॉमसन के बारे में, जिन्होंने 14 मैच पे 41 रन लगाए हैं, मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते आए हैं, ना तो बॉलिंग इन्होंने एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बॉलिंग नहीं करी, 14 मैच में से दो मैच पे इन्होंने बॉलिंग करी थी पहले, और वो भी एक एक ओवर। तो आप ये सोचो कि जब आपके पास एक्चुअली मेन बॉलर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें बॉलर्स की तो एक तो ये हो गया, दूसरा ईवा हो गया, तीसरा हंडल लंदर, तीसरा दोस्तों यहाँ पे नीचे इजबल, उसके बाद इरिस, फिर हमारा कैप्टन चाहेगा। सो ये जो है बॉलर्स है एक्चुअली, बट यहाँ पे इन्होंने किसको मिस कर दिया, इन्होंने हन्ना को बॉलिंग नहीं दिया। तो बात ये है कि कभी कभी उनकी मनमर्जी से चलता है भाई, हम अपना कुछ भी कोशिश कर ले हम नहीं जीत पाएंगे अगर वो अपना मतलब कोशिश करे तो। सो बात ये है कि अगर आप इन सारे मैचेस को खेलते हो, मेरा क्या है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टैट्स निकालना, और स्टैट्स के हिसाब से क्या है ना कि हम रिजल्ट अच्छे आते हैं, बट कभी कभी आपकी स्टैट्स को मतलब ऐसे सिचुएशन में वर्क नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख लेना एक बार, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लो। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो नेदरलैंड ओवन की जो परफॉर्मेंस है लास्ट मैच की आपने देखा होगा, फिर भी यहाँ पे टॉप तीनों बैट्समैन बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने आपको कहा इरिस बहुत अच्छी बैटिंग कर लेती है, यहाँ पे लास्ट मैच पे इनका भी सिलेक्शन उतना ही गजब की थी, पर ये भी एक्चुअली क्या है ना कि ये ODI में, ये जब ODI खेलती है नेदरलैंड के लिए तो ये ओपनिंग करती है, पता है आपको, लेकिन जब इनकी T20 मैचेस रहता है तो इनका उतना मतलब परफॉर्मेंस होती नहीं है, ना तो बॉलिंग करती ना ही बैटिंग करती है। सो फिर भी हमने इनको पिक क्यों किया, क्योंकि इनका सिलेक्शन कुछ 90% के अबव था, तो मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं दो दो ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ जिनका परफॉर्मेंस एज ए बॉलर कुछ नहीं है। सो मेरे के लिए एक डिसीजन लेना था और मैंने इनको लिया,
ये चीज़ मतलब आपको एक्सप्लेनेशन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्या है ना कि आज की टीम में आज अगर आप ग्रेनली खेलते हो तो इनको छोड़ के खेलो, मेरा एक सजेशन है, मैं तो छोड़ूंगा, आपका देखो। बाकी सिंगल खेलते हो तो इनको लेके खेलना पड़ेगा क्योंकि आप 3 विकेट लिए हैं। पता नहीं कि आज क्योंकि इटली में इनका बैटिंग लाइनअप उतना भी स्ट्रांग नहीं है नेदरलैंड के अगेंस्ट। सो देखा जाए तो अगर कोई भी बॉलिंग करे, अगर कलिश भी बॉलिंग करने आ जाए तो विकेट मिल जाएंगे। सो ये चीज़ को आपको नज़र पे रखना चाहिए और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमेशा आपको ये सोचनी चाहिए। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इनका जो बॉलिंग देखा मैंने, इसाबल वैंडर वनिंग बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही थी, बहुत अच्छी स्विंग भी, इनका बॉलिंग पे स्विंग भी देखने को मिल रहा था। इनको हम मास्ट पिक करेंगे इस मैच के लिए। चलिए देखते हैं हमारा बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए क्या है। तो बेस्ट कैप्टन एक तो विकेट कीपर बहुत अच्छे खेल रहे थे, हेदर एक बहुत अच्छे हैं, और अगर मतलब कलिश को फॉर ग्रैंड लीग इनको आप हम जीएल के लिए ट्राई कर सकते हैं। जीएल के लिए हम कलिश को ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इरिस को सिंगल के लिए ट्राई कर सकते हो आप, यहाँ पे अगर हम बात करें इवा को जीएल के लिए ट्राई कर सकते हो। इस टीम से ये दोनों जो है दिलीशा एंड रेजिना इनको आप सिंगल के लिए ट्राई कर सकते हो, फॉर सारोन एंड चतुरिका इनको आप ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर सकते हो। ये मेरा कुछ विचार है कि यहाँ पे मतलब सिंगल के लिए आप इन चारों प्लेयर को ट्राई करो जो इधर से देख रहे हो आप। एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 4, ये चारों प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो फॉर सिंगल। ग्रैंड लीग में आप इन बाकी सारे प्लेयर्स जो है इन लोगों को ट्राई कर सकते हो फॉर ग्रैंड लीग, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान पे रखना चाहिए, अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क और मल्टीपल टीम्स बना के आप जीत सकते हो। चलिए हमारा जो फाइनल चीज है वो है टीम। टीम जो है आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाती है जैसे आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मेरा कैप्टन ये है। अब ये थोड़ा सा डिपेंड करता है आफ्टर टॉस, क्योंकि मेरा जो मन है वो है हेदर सीजर, उनको रखने का एक रीजन है वो है हमारा वो एक्चुअली रीजन क्या है, उन बॉलिंग कर सकती है क्योंकि वो पहले बॉलिंग किया करती थी। अब क्या है ना कि वाइस कैप्टन में रेजिना को बनाना चाहूंगा क्योंकि वो इंग्लैंड की एक्सपीरियंस है, उनको इंग्लिश ओमेन के साथ खेलने की एक्सपीरियंस है, हो सकता है कुछ अच्छा मिले। सेकंड जो मेरा वाइस कैप्टन की चॉइस है वो है दिलीशा। दिलीशा ये इसीलिए क्योंकि उनको फिट है और यंग प्लेयर है, काफ़ी अच्छी खेल रही थी, इसीलिए मैं उनको भी मतलब एक टारगेट है कि टॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये टीम पहले बॉलिंग करे तो मैं हो सकता है कि मेरा वाइस कैप्टन का चॉइस चेंज करूं, लेकिन कैप्टन डेफिनेटली इन दोनों में से बनेगा जो नेदरलैंड के लिए ओपनिंग करती है, ठीक है। दोस्तों फाइनल टीम आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं और इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं।